बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं सिल्वर निटिंग नीडल्स, और आज हम इसकी कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। और कॉम्प्रीहेंशन में हम जो क्वेश्चन करेंगे, हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये आपके चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इनको चैप्टर में लोकेट करना है, यानी देखना है कि लेसन में किस तरह से बताए गए हैं। जैसे अपोलोजाइज, इसमें आता है शी वॉज वेरी सॉरी फॉर रॉन्गली ब्लेमिंग अली। तो अपोलोजाइज का मतलब होता है शर्मिंदा होना, माफ़ी मांगना। तो माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए? एक तो ये कि एक्सप्रेस योर रिमोर्स, कि आपको शर्मिंदगी हुई है, ये बताना ज़रूरी है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो आपने गलती की है उसका जिक्र करना चाहिए। जैसे सना ने अली को इल्ज़ाम दिया, उसने ज़िक्र किया। फिर यह है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपने दूसरे को नुकसान पहुंचाया, और फिर प्रॉमिस टू चेंज बिहेवियर, आइंदा ना करने का अहद करना चाहिए। फिर है निटिंग, शी कुड यूज़ हर निटिंग नीडल्स टू निट एनीथिंग। निटिंग कहते हैं एक प्रोसेस है, अमल है, जिससे बुनाई करते हैं ऊन के साथ। जैसे हमने सबक में देखा कि दादी ने सना के लिए स्वेटर, स्कार्फ, जुराबें और टोपी वगैरह बनाई की। फिर अगला है पोजेशन। पोजेशन कहते हैं मिल्कियत को। शी मिसप्लेस्ड हर ग्रैंड मदर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजेशन। जो सिलाइयाँ थीं वो उसकी दादी अम्मा की बहुत ही अहम मलकियत थीं, उसने उनको गुम कर दिया। डिसअपॉइंटमेंट, सना वाज टू स्केयर टू इमेजिन हाउ डिसअपॉइंटेड दादी वुड बी। डिसअपॉइंटेड होता मायूस होना, कि दादी को ये देखकर कितना दुख होगा सना ने क्या किया। एक्यूज्ड, इल्ज़ाम लगाना, चैप्टर में आता है शी रॉन्गली एक्यूज्ड हर 6-year-old ब्रदर। सना ने अपने 6 साल भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने सिलाइयाँ चोरी की हैं। फिर है कन्फेस। कन्फेस का उर्दू में मतलब है एतराफ़ करना। शी न्यू टेलिंग अ लाई वॉज रॉन्ग एंड शी शुड कन्फेस। तो असल में झूठ बोल रही थी वो, उसे पता था। तो झूठ बोलना यही होता है कि आपको अपने दिमाग में पता होता है कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मुंह से हाँ निकलती है। तो किसी चीज़ को जो सही ना हो उसको झूठ कहते हैं। हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा हाँ। फिर पूछा क्या मोमिन बखील हो सकता है? तो आपने कहा हाँ। आप फिर फरमाया कि मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें, मजाक में भी किसी से झूठ ना करें। तो अपोलोजाइज का मतलब हुआ टू से सॉरी, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा आई एम सॉरी, उसने दादी से माफ़ी मांगी सना ने, शी वॉज़ वेरी सॉरी फॉर रॉन्गली ब्लेमिंग अली। फिर नेक्स्ट वर्ड है निटिंग, द प्रोसेस बाय विच वूल इज़ यूज्ड टू क्रिएट क्लोथ्स। एक अमल है जिससे ऊन के ज़रिए बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है, तो ये इसकी सही डेफिनेशन है। फिर है पोजेशन ऑफ बिलोंगिंग, हमने देखा कि सबसे अहम और कीमती पोजेशन जो दादी की थी वो सिल्वर निटिंग नीडल्स थी, जो कि सना से पहले गुम हो गई और उसने उसके लिए अली पे इल्ज़ाम लगाया। फिर है डिसअपॉइंटेड, सैडनेस विच समवन डज नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशन। जब आप किसी से तवक्को रखते हैं वो पूरी ना हो, तो आपको जो मायूसी और उदासी होती है उसको डिसअपॉइंटेड कहते हैं। फिर है एक्यूज, टू ब्लेम समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो जैसे सना ने अली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सुइयां उसने चुराई हैं। नेक्स्ट है कन्फेस, टू एडमिट दैट समवन हैज़ डन रॉन्ग। जिस तरह सना को कन्फेस करना चाहिए था कि उसने सिलाइयाँ जो मिसप्लेस की हैं। तो ये हमारे पास वर्ड्स हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, उनकी करेक्ट डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।